और ये देखो यार क्या किया हुआ है, ये लॉर्ड अल्टो को काट के क्या बनाया हुआ है यार। ओए, ये रुद्रपुर से एग्जिट हो रहे हैं हम लोग, इतनी गंदी बदबू आ रही है यार यहाँ पे। भैया ये गूगल पता नहीं है कौन सा बदला ले रहा है मेरे से, ये देखो गांव की गलियों के बीच में से घुमा रहा है। तो कहते हैं ना चल भाई पतली गली से निकल, लो जी हम भी पतली गली से निकल लिए। गरम गरम गुड़ का तो मजा ही अलग होता है यार, थोड़ा टेस्ट तो कराना भैया, इतना सा तो खाना बनता है यार। भैया इतना एडवेंचर तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और एडवेंचर भी ऐसा वैसा नहीं है। पता नहीं भैया कौन कौन सी गलियों में घुमा रहा है। लो जी आगे रास्ता ही बंद है। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, की हाल चाल, मैं हूं आपका होस्ट जगजीत सिंह। चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं अभी नानक मत्ता में, यूके में, उत्तराखंड में, यूके यू और दूसरा यूके नहीं, इंडिया वाला यूके। तो रात में यहां पहुंच गया था, होटल बहुत ज़बरदस्त मिल गया था। रात जब होटल में पहुंचा तो यहां पे अनफॉर्चुनेट लाइट नहीं थी, तो मैं ज़्यादा शूट तो यहां कर नहीं पाया, होटल रूम नहीं दिखाया। मैं अभी आपको रूम दिखा देता हूं, ये छोटा सा रूम है, कोई बहुत बड़ा रूम नहीं है। मैं अभी तो पूरा मैस हो चुका है, भयंकर तरीके से मैस हो चुका है, और ये इसका छोटा सा वॉशरूम। पर ये है कि स्लीप मज़ेदार थी यार। और चलो आपको मैं सुबह सुबह दिखाता हूँ होटल के बाहर का व्यू। ये पूरा व्यू है बाहर का, बहुत अच्छा व्यू है, मज़ेदार। और ये सामने मेन हाईवे है, बस यही हाईवे पकड़ के अपने को आगे निकलना है अब अपनी राइड कंटिन्यू करने के लिए। दोस्तों ये खड़ा हमारा बगीरा, अब बस इस पर सामान लगाना, फटाफट से और निकलना है। ये मेन हाईवे चल रहा है, इसी हाईवे से हमने होके आगे अपने सफ़र को कंटिन्यू करना है। फटाफट से सामान बांधते हैं और चू मंत्र होते हैं। दोस्तों अपनी तैयारी हो चुकी है, बाइक का वार्म अप हो चुका है। यहाँ पे रुका था मैं, होटल पैराडाइज होटल एंड रेस्टोरेंट, बहुत बढ़िया और बहुत मज़ेदार स्टे था यार। चलो अब सामान सारा लग चुका है, अब निकलते हैं। मैंने रात पे किया था नानक मत्ता में, नानक मत्ता गुरु नानक देव पातशाह जी का चरण छोह प्राप्त जगह है। यहाँ पे गुरु नानक देव जी की याद में एक गुरुद्वारा भी बना हुआ है, तो वो गुरुद्वारा तो आपने ड्रोन शॉट में देख लिया होगा, बहुत अमेजिंग दर्शन थे, मज़ा आ गया। तो अब हमने अपनी राइड स्टार्ट कर दी टुवार्ड्स लुधियाना के लिए। यहाँ से लुधियाना है 533 किलोमीटर, ये मुझे सहारनपुर होके लेके जाएगा। इसके लिए मुझे लगेंगे 10.5 घंटे दिखा रहा है, बाकी पता नहीं कितना लगेगा कितना नहीं लगेगा। इसके हिसाब से तो हम लोग 9 बजे पहुँचेंगे, 10-11 बजे भी पहुँच जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं यार, घर पर ही जाना है। आपकी यात्रा मंगलमय हो। हम लोग ने भी टनकपुर क्रॉस किया है। अब ये देखो अपने साथ में ये 4-लेन हाईवे चल रहा है, और ये गूगल मार रहा है हमें लाए अंदर से। अब यहाँ से मैं थोड़ा सा रॉन्ग साइड जाके फिर अपने रोड पे निकलना है। ये जो एरिया है ना उत्तराखंड का, इस एरिया में मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आज के दिन का पहला टोल आ गया, हमें तो देना नहीं है पर टोल आ गया। साइड से निकल जाएंगे। मुझे लगता है यार आपको ना सामने का व्यू सही नहीं आ रहा होगा, मैंने अभी ध्यान किया विंडस्क्रीन थोड़ी सी साफ़ नहीं है, गंदी है। तो चलो पहले विंडस्क्रीन साफ़ कर लेते हैं। लो भी दोस्तों कर दिया हमने फ्रंट मिरर साफ, होप अब आपको व्यू सही आ रहा होगा सामने का। इसका मेन रीज़न ये है कि जब आप हाईवे पे चल रहे हो ना तो सामने से विंड ब्लास्ट नहीं आता, और जब विंड ब्लास्ट नहीं आता तो आपकी राइड जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि आपको हवा पुश नहीं कर पाती पीछे को। बहुत लॉजिकल रीज़न है ये विंडस्क्रीन लगाने के। विंडस्क्रीन लगाने का यहाँ पे बेनिफिट ये होता है ना, जब आप लॉन्ग राइड करते हो ना, लॉन्ग राइड करते टाइम आपको किसी तरह का विंड रेजिस्टेंस नहीं होता, जिस वजह से आपकी राइड जो है ना कंफर्टेबल हो जाती है। जब आप सीधे बैठ के बाइक चलाओगे और विंड रेजिस्टेंस ज़्यादा मिलेगा तो विंड आपको पीछे को पुश करेगी और बाइक आपको आगे को पुश करेगी, तो आपको थकावट होना लाजमी है।
उसी वजह से ये मैंने विंड स्क्रीन लगाई हुई है यहाँ पे। अब जो विंड आती है वो यहाँ से ऊपर निकल जाती है, मुझे सामने से डिस्टर्ब नहीं करती, जिस वजह से मेरी राइड जो है वो कंफर्टेबल हो जाती है और मैं डेली की इतनी इतनी राइड कर पाता हूँ। अपनी तरफ से मैं कोशिश यही करता हूँ कि जितना बेस्ट हो तो बेस्ट आपको व्यू देख सकूँ। अब सामने लगा हुआ जाम रुद्रपुर में, अब हम लोग रुद्रपुर पहुँच चुके हैं। ओए ये रुद्रपुर से एग्जिट हो रहे हैं हम लोग। इतनी गंदी बदबू आ रही है यार यहाँ पे, आप ये देख सकते हो कूड़ा लापास चल रहा है यहाँ पे भी, जैसे दिल्ली के आउटर में है ना कूड़ा लापास, वैसे यहाँ पे भी है। और कितनी गंदी बदबू आ रही है, और ये हाईवे पे है। आई एम शॉक्ड। और ये देखो यार क्या किया हुआ है, ये लॉर्ड अल्टो को काट के क्या बनाया हुआ है यार। अरे वाह, और बैठे हुए सरदार जी है बीच में, पक्का सरदार जी ने जुगाड़ किया होगा, और पीछे प्रॉपर गद्दा लगाया हुआ है। अब इसके ऊपर कौन बैठेगा यार, वाह क्या बात है। देखो दो अंकल अपना गप्पे मारते हुए मस्त जा रहे हैं एकदम से, क्या बात है जबरदस्त। हमने अभी पास कर दिया काशीपुर। पास करने के बाद हम लोग अभी सीधा निकल रहे हैं। अब ये सारा एक्सप्रेसवे नया बना है, इसके मुझे लगता है जो आउटर में ही है तो बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। आ गया आज का दूसरा टोल, पर हमने तो देना ही नहीं, हम निकलेंगे साइड से सीधे ही। भाई से ये मज़ा होता है यार, टोल नहीं देना पड़ता, फालतू का खर्चा नहीं पड़ता। अब यही अगर गाड़ी से आओ तो वो भी खर्चा पड़ता है, और जैसे एक्सप्रेस वे से हम लोग गए थे तो वहाँ पे भी भैया टोल लग गया था। इस एरियाज में आके अब थोड़ा सा मेरे को ना ढाबे दिखने शुरू हुआ, पीछे संधू ढाबा था, अब ये कौन सा भाई अमृत ढाबा, अमृत ढाबा। अभी रास्ते में चलते चलते मुझे ये नज़र आया यार, ये पता नहीं क्या है, दुपट्टे लगा के बाउंड्रीज करी हुई है सब ने अपनी। अब ये क्या चक्कर है भाई, अपनी समझ से तो परे है, अगर आप में से किसी को पता तो बताना यार मेरे को। ये बिजनौर के एरिया में पड़ रहा है। मैं दोस्तों आ गया था इधर सिटी के अंदर से, क्योंकि यार बाहर से ना थोड़ा लॉन्ग रूट दिखा रहा था, तो मैं कहा लॉन्ग क्यों जाना, तो सिटी के अंदर से चलते हैं। ये सिटी के अंदर से छोटा रूट पड़ रहा है अपने को, देखिए वे भी हाईवे पे जाएगा, वो थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। अब ये सिटी कौन सी है वो मुझे देखना पड़ेगा। ये है जनपद बिजनौर अफजलगढ़। गूगल पे अगर आप बाइक सेलेक्ट करो ना कि हाँ बाइक का रूट चाहिए, तो ज़्यादा ही शोखा हो जाता है यार, फालतू घुमाता रहेगा, छोटी छोटी जगह से गलियों में से घुमा देगा। ठीक है ऐसे छोटे रोड कभी कभी चलते हैं, मैं नहीं कहता नहीं चलते, पर ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए तो वो भी दिक्कत करते हैं। तो हम गुरु नानक, चलो यहाँ से लेफ्ट नगीना, हमने नगीना होके जाना है। नगीना यहाँ से 27 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा सा रूट अपने को लेना पड़ेगा गांव-गांव के अंदर से। चलते चलते प्यारे खूबसूरत जंगल वाले रास्ते से आ गए हैं, इधर भी कुछ नहीं है और इधर भी कुछ नहीं है, खेत खलिहान है लोगों के, और ये हल्का हल्का जंगल। और देखो रास्ता कितना प्यारा बना हुआ, बीच में से बहुत लेस ट्रैफिक है। अभी एक ये गाड़ी दिखी है और एक बाइक, अब एक गाड़ी है सामने से आ रही है, अदरवाइज़ एकदम पीसफुल और ज़बरदस्त वाला रास्ता है, मज़ा आ गया इसका। अरे वाह बंदर भी है यहाँ पे यार, मतलब छोटा सा जंगल एक तरह से ही है। दोस्तों काफ़ी पीसफुल सा रोड था, मुझे थोड़ा सा मज़ा आया, मस्त लगा, तो मैं थोड़ी देर रुक गया यहाँ पे। अब जाके थोड़ा ट्रैफिक आना शुरू हुआ है, पर मस्त रोड था यार, बहुत मज़ेदार। भैया ये गूगल पता नहीं है कौन सा बदला ले रहा है मेरे से, ये देखो गांव की गलियों पे बीच में से घुमा रहा है। मैंने आपको बोला था ना कि अगर आप गूगल पे बाइक सेलेक्ट कर लो तो भाई ये पतली गलियों से आपको ऐसे घुमाएगा जैसे पता नहीं क्या होता है। इससे अच्छा तो ट्रक वाला सेलेक्ट कर लो कि भाई हाईवे से चाहिए सिर्फ। अब ये देखो पतली गलियों से घुमा रहा है पूरा मेरे को, ऐसे खाली मुझे नहीं घुमा रहा, ट्रकों को भी घुमा रहा है। वाह सामने ट्रक भी चल रहा है। चलो ट्रक को फॉलो करते हैं साथ साथ में। जय हो गूगल देवता की। अभी ये भाई साहब बता रहे हैं 14 किलोमीटर अपने को सीधा चलना है, उसके बाद नगीना हाईवे पे मुड़ना है, जो मुड़ेंगे तो जाके नेशनल हाईवे आएगा। अभी हम लोग स्टेट हाईवे से चल रही है, स्टेट हाईवे है छोटा सा। मैंने जो डिसीजन लिया कि मैं मुजफ्फरपुर होकर नहीं जाऊँगा, रुड़की होकर निकलूँगा, तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा डाइवर्जन लेना पड़ा,
जो मुझे अभी इस पतले से रोड पे ले आया, ये धुआं आप देख रहे हो, ये सारी गुड़ की कलाड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पे गुड़ बन रहा है। जैसे हाईवे से जा रहा था ना, थोड़ा थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा था, लेकिन ये डाइवर्जन लेने का मेरे को एक बेनिफिट हुआ कि एक तो ये गाँव के नज़ारे देखने को मिल गए, दूसरा ये है कि वो बोरियत जो थी ना वो दूर हो गई, बैटरी थोड़ी चार्ज हो गई। हाईवे पे चलने से मेरी बैटरी थोड़ी सी ना लो हो जाती है, क्योंकि वही अब बस एक्सीलरेट देते जाओ और चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, मज़ा नहीं आता यार वो। अब मज़ा आ रहा है, अब वाकई में मज़ा आ रहा है। एक तो ये गांव की हरियाली आय हाय 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 ज़बरदस्त, ऊपर से एक छोटी सी रोड और इतने प्यारे प्यारे लोग देखते हैं ना, तो मज़ा आता है। ये एरिया जो लग रहा है मुझे, ये सारा गन्ने का एरिया ही है। ये देखो सारा खेतों में गन्ना लगा हुआ है, ये सामने ट्रॉली भी जा रही है, गन्ने वाली जा रही है। वैसे एक बात है, पता नहीं आपने एक्सपीरियंस कभी किया कि नहीं किया, लेकिन जो खुद से गन्ना तोड़ के खेत में से खाने का जो मज़ा आता ना गन्ना चूसने का, आय हाय हाय, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। दोस्तों ये कलाड़ी मेरे ख्याल से चल रही है, चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं, अगर भाई साहब दिखा की परमिशन दे दें तो। लो भाई दोस्तों, ये है कलाड़ी के अंदर का सीन पूरा, ये बन रहा है गुड़। अरे अब इसका प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है आपको वो दिखाता हूँ। ये पड़ा गन्ना, अब सबसे पहले गन्ने की पिराई की जाती है। ये देखो यहाँ पे गन्ना मशीन में डालते हैं और ये बाकी का वेस्ट बचता है ये नीचे आ जाता है, इसको सुखाने के लिए डाल देते हैं। और ये जो भट्टी बनी हुई है, ये भट्टी इसी सारे वेस्ट से चलती है, वहाँ से रस यहाँ पे आ रहा है। ये गन्ना डाल रहे हैं उसमें मशीन में और उससे रस नीचे सीधा यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पे रस आने के बाद इसको गर्म किया जाता है यहाँ पे। इस चकले पे आने के बाद जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, ठंडा करने के बाद ये देखिए ऐसे इसको बेल लिया जाता है। अरे वाह, गरम गरम गुड़ का तो मज़ा ही अलग होता है यार, थोड़ा टेस्ट तो कराना भैया, इतना सा तो खाना बनता है यार। गरम गरम गुड़ का मज़ा ही अलग होता है। तो इन भाइयों ने अपना पूरा सेटअप दिखाया, थैंक यू इनके लिए, थैंक यू भैया। दोस्तों कैसा लगा गुड़? टेस्ट तो बहुत मज़ेदार था यार, बहुत ज़बरदस्त प्योर खालिस गुड़ था, मज़ा आ गया। अब ये है कि एक छोटी सी टेंशन ये हो रही है, बाइक की रेंज दिखा रही है सिर्फ 50 किलोमीटर की, अगर पे जल्दी पेट्रोल पंप नहीं मिला तो भैया दिक्कत आ सकती है। वैसे तो 4.7 किलोमीटर के लिए दिखा रहा है कि आगे जाके हमने राइट टर्न लेना, उसके बाद होपफुली आ जाएगा कोई ना कोई फ्यूल स्टेशन, तो पर अभी तो एकदम से 50 की दिखा रही है। पर ये ना बाइक का को पता नहीं होता यार कब एकदम से जंप कर दे 50 से सीधा, बोले नहीं जी मैं तो 10 पे थी आप, मैंने तो मजाक किया था, तो मजाक मजाक में काम ना हो जाए। फ्यूल स्टेशन तो मिल गया अपने को, अब यहाँ पे कराते हैं फुल 9620, इसका मतलब अभी हम यूके में ही हैं। चलो फ्यूल कराते हैं। अब दिखा रहा है फ्यूल रेंज 440 किलोमीटर और अपने घर का डिस्टेंस है 355 किलोमीटर, तो आराम से ये कह सकते हैं कि इस राइड का आखिरी फ्यूल ब्रेक था ये। अब इसके बाद तो मुझे नहीं लगता कि ब्रेक लेने की अपने को जरूरत पड़ेगी। अरे यार ये कहाँ कहाँ घुमा रहा है भाई। रानी भैया कौन कौन सी गलियों में घुमा रहा है। लो जी आगे रास्ता ही बंद है, इधर मुड़ते हैं। ये जो कस्बा है इसका नाम है नगीना, चलो नगीने देख रहे हैं नगीना में। ये वो एरिया था दोस्तों, आज देख रहा हूँ दोबारा, पता नहीं देखूंगा कि नहीं देखूंगा लाइफ में, गूगल मुझे आज तो नगीना के पूरे पूरे शहर करा रहा है। फाइनली नगीना से तो बाहर आ गए, अब देखते हैं हाईवे कब टच होता है। तो वेदर भी थोड़ा थोड़ा गर्म होना शुरू हो गया ना, तो अभी क्या हो रहा है कि राइडिंग एरिया की वजह से ये सिटी के अंदर से निकल के आया तो पसीने से बुरी हालत हो गई, अभी जैसे बाहर निकला हूँ अब थोड़ी सी हवा लगनी स्टार्ट हुई है। अब ये देखते हैं भैया गूगल भाई साहब हमें कहाँ लेके जा रहे हैं। सामने ट्रक निकल के गया, इसका मतलब आगे रोड है बढ़िया,
तो चलो अब इसी रोड को फॉलो करते हैं। अभी हमने 16 किलोमीटर चलना है ऐसे ही नसीराबाद के लिए। आगे जाके नसीराबाद आएगा, नसीराबाद से फिर अपने को हाईवे कनेक्ट करेगा जो हमने पीछे छोड़ा था। ये एरिया गन्ने का है, तो ये देखो ट्रक कैसे भर भर के जा रहे हैं गन्ने के। अब ये जहाँ तक मुझे लग रहा है ये शुगर मिल में जा रहे होंगे। ये जो एरिया है ये शुगर केन की वजह से इंडिया का शुगर बास्केट है। दोस्तों हम लोग हैं अभी नजीबाबाद में। अब जैसे जैसे मैप हमें घुमाता जा रहा है हम घूमते जा रहे हैं, साथ में मज़े करते जा रहे हैं। बट ये है कि नई नई जगह घूमने का मज़ा मिल रहा है जो कि बहुत 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 ज़बरदस्त है। मुझे चले हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, अभी भी 7 घंटे दिखा रहा मेरा घर का रास्ता। अब यहाँ से हमने आगे जाके लेना है राइट। अगर सीधा जाएंगे मेरठ होके दिल्ली निकल जाएंगे, और यहाँ से हम लोग राइट मुड़ रहे हैं तो हम लोग अभी जाएंगे हरिद्वार रोड पे। आज तो बस यूपी के रास्ते नापने हैं भैया, और कुछ नहीं करना हमने। दोस्तों पता नहीं आज गूगल और क्या क्या दिखाएगा यार। ये देखो यही रास्ता बाकी रह गया था ऑफ रोडिंग का। अब गूगल महाराज हमें इस रोड से लेके जा रहे हैं, पता नहीं क्या करके मानेगा आज, ये समझ नहीं आ रही मेरे को। ठीक है यार एडवेंचर चाहिए था, इतना भी नहीं चाहिए भैया। ओए होए 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 होए, आगे पानी भी चल रहा है। इतना एडवेंचर किसको चाहिए था भाई, हमें तो नहीं चाहिए था। चलो अब तो आ गए तो अब पार तो करना ही पड़ेगा। अब देखते हैं रास्ता कहाँ कहाँ से निकलता है, लेट्स सी। जितना हो सके संभल के चलेंगे, जितना हो सके संभल के चलेंगे। ओके ओके ओके, वाह, रेत रेगिस्तान में भी हमें घूमना पड़ रहा है। पर ये गूगल ने आज तो वाकई ना हद कर दी यार, सही में हद कर दी। इसमें खाली बेचारे गूगल का कसूर क्या है, उसने तो मेरे को ऑप्शन एक और दी थी, हम ही नहीं माने। हमने कहा हमने हरिद्वार क्या करना है जाके, हमें तो सीधे जाना है। अब ये नहीं ना पता था ये ऐसे सीधा लेके जाएगा। हो 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 हो, अब आगे मेरे को टेंशन ही हो रही है कहीं नदी में तो नहीं लेके जा रहा है हमें। अब ये ले आया हमें आम के बगीचे में, ये आमों के बाग लगे हुए हैं। ओए होए होए भैया, इतना एडवेंचर तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, और एडवेंचर भी ऐसा वैसा नहीं है। ओहो, अब वो सामने एक लग रहा रोड, देखते हैं पहुंचते हैं वहाँ पे। लग तो रहा है कि रोड है, लेट्स सी। दोस्तों अभी ये ले आया हमें एक अंडर कंस्ट्रक्शन रोड पे, और सामने लगता है कोई ब्रिज भी है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। पर जो भी है कुछ तो हाईवे सही से आया, कम से कम गांव-गांव के बीच में से तो निकल रहे हैं हम लोग। अब देखते हैं कि पार करवाता है कि कुछ और फिर चक्कर डलवाता है। मुझे लगता तो है ब्रिज बना हुआ है क्योंकि लोग आ रहे हैं सामने से। ट्रैक्टर आ रहा है तो इसका मतलब रोड भी है, क्योंकि यार मैंने हिसाब लगाया है गूगल आज कुछ ज़्यादा ही शोखा हो रहा है यार, ज़्यादा ही परेशान कर रहा है आज। ऐसी ऐसी जगह पे लेके जा रहा है बता, जहाँ मैं सोच भी नहीं सकता, हद से ज़्यादा इसने एडवेंचर करवा दिया। चलो जो करवा दिया सो करवा दिया, हम मज़े तो ले ही रहे हैं। दोस्तों आप लोगों ने ना बहुत पहले शाहरुख खान की एक मूवी आई थी, उसमें एक सीन था जब शाहरुख खान टर्बाइन से बिजली पैदा करता ना, और एक बुढ़िया बेचारी बोलती है, सेम उसी तरह मुझे फील आ रही है इस टाइम हाईवे देख के। पता नहीं कौन कौन से गांव में से मेरे को घुमा के लाया गूगल आज। अब जाके ये रोड थोड़ा सा नज़र आया, अब देखते हैं रुड़की पहुँचते हैं, रुड़की से फिर सहारनपुर के लिए निकलते हैं। एक बार मैं उसे टच कर जाऊँ ना, फिर कोई इशू नहीं है, फिर तो सारा आज रास्ता मेरे को पता ही है। अभी तो प्रॉब्लम क्या हुई है, मेरा बेचारा फ़ोन भी डेड हो गया क्योंकि इसकी बैटरी ख़त्म हो गई। चार्जर लेने की मैंने कोशिश की बाइक का, चलो चार्जर ले लूँ, पर वो पता नहीं क्या बात है वर्क ही नहीं कर रहा। सहारनपुर यहाँ से दिखा रहा है जी 41, सीधे जाके राइट मोड़ने के लिए कह रहा है। हाँ एक आया तो है लगता है, टूटा फूटा सा हाईवे।
पता नहीं टूटा फूटा के सही है, पता नहीं, लगता तो है 4 लाइन हाईवे है। बाकी अभी ये सिटी से बाहर निकलेंगे तो पता लगेगा। ठीक है जी, यात्रा तो ठीक है आपकी, सहारनपुर 29 किलोमीटर। चलो अभी साइन बोर्ड देखा मैंने, अभी माइलस्टोन लगा हुआ था यहाँ पे, अम्बाला है यहाँ से 105 किलोमीटर। अब 105 यहाँ से अम्बाला, देन 112 किलोमीटर लुधियाना, 200 किलोमीटर के लिए आप जैसे जिस तरीके से हाईवे है यहाँ से। अभी तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि कहीं अंडर कंस्ट्रक्शन ना हो कुछ भी। बाकी अम्बाला से लुधियाना तक तो ज़्यादा 1-1.5 घंटा लगता है उतना, उसके लिए मैं कन्फर्म है। मुझे सही बताऊँ आज तो कुछ भी फिक्स नहीं हो रहा, सोचा था क्या और क्या हो गया। मज़ा भी तो हम ही ने किया, किसी और ने थोड़ी किया। गांव-गांव में से घूम घूम के जो मज़े लिए हैं, ऐसी गलियां घूमी हैं जिनसे कभी दोबारा निकलना ना होगा। दोस्तों आज का तीसरा टोल, दोस्तों ये जो टोल था ये अम्बाला जमुनानगर हाईवे है उसी पे बना हुआ है, क्रॉस कर लिया हमने। अभी तो बम की बम बम चिकी चिकी बम बम हुई पड़ी है, बहुत देर से बैठा हूँ बाइक पे, चलता जा रहा हूँ। जब बर्दाश्त से बाहर हो जाती है तो थोड़ी सेटलिंग कर लेता हूँ। जो लोग लॉन्ग राइड करते हैं वो मेरी फीलिंग समझ सकते हैं कि क्या हालत होती है। अब ये भी एक तरह का मज़ा है, मज़ा लेते चल रहे हैं। अब पता है कि आज घर पहुँचना है, अब घर पहुँचने के बाद कंटिन्यू व्लॉग डालने हैं, आप लोगों को एंटरटेन करना है, अपनी जर्नी के साथ साथ घुमाना है। बार बार बोलता हूँ यार, कमेंट करा करो, प्यारे प्यारे कमेंट कर दिया करो, अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे कमेंट जरूर किया करो यार। आपका देखो कुछ नहीं जाता, गरीब का भला हो जाएगा, क्योंकि आप कमेंट करोगे लाइक करोगे तो YouTube मेरे वीडियो को औरों को भी भेजता है, लो भाई आप भी देखो फला फला बंदे ने देखा है तो आप भी देखो, आपका इंटरेस्ट सेम है, तो थोड़ा सा पंप आप करोगे उतना ही मेरी हेल्प हो जाएगी। हेल्प क्या होगी यार, थोड़ा सा अपना चैनल ग्रो करेगा, राइट ऑन फैमिली ग्रो करेगी, जैसे जैसे ग्रो होगी तो और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती जाएंगी, और ज़्यादा हम लोग आगे ग्रो करते जाएंगे, मतलब कि खलारा डालते जाएंगे फैलते जाएंगे। तो अभी ना जो टाइम देखा मैंने 5:30 हो चुके हैं और लुधियाना पहुँच रहे हैं, मुझे वही रात हो जाएगी, जल्दी तो कोई नहीं है पर फिर भी ना पता नहीं क्या बात है, एकदम से क्रेविंग उठी, जैसे वो घर के नज़दीक आ गया ना तो घर खींच रहा है कि जल्दी आ जा। तो अब कहीं नहीं रुकना, सीधा घर पहुँचेंगे। सामने आ गया आज का चौथा टोल प्लाजा, हमने साइड से पतली सी गली ढूंढनी है और पतली गली से निकल जाना है। कहाँ है पतली गली, वो है पतली गली, तो कहते हैं ना चल भाई पतली गली से निकल, लो जी हम भी पतली गली से निकल लिए। अम्बाला रह गया 40 किलोमीटर, फाइनली वी हैव एंटर्ड इन अम्बाला। अब अम्बाला क्रॉस करने के बाद नॉर्मली अगर रोड होती तो फिर तो हम लोग सीधा राजपुरा पहुँचे, राजपुरा से अपना सीधा लुधियाना के लिए। ड्यू टू फार्मर्स प्रोटेस्ट अभी हमें ड्यू टूर लेना पड़ेगा, अब वो देखना है कहाँ से लेना पड़ेगा, आगे जाके देखता हूँ, गूगल पे चेक करता हूँ, गूगल पे भी है या साइन लिखा हुआ है कहीं पे। दोस्तों हम लोग तो अभी पहुँच गए अम्बाला के आउटर पे, अब यहाँ से देखना कि लुधियाना जाने के लिए हमें कौन सा रूट लेना है, क्योंकि डाइवर्जन है। अब डाइवर्जन किस तरह से है वो थोड़ा सा मेरे को मैप पे देखना पड़ेगा। वैसे तो मेन ये सीधा रास्ता है, लेकिन ये देखिए ये यहीं से बंद किया हुआ है। अब हम लोग नीचे से सिटी की तरफ से जाएंगे,